2000 से 2004 के बीच में 6 एम्स पर कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि मात्र 7 वर्ष की एक छोटी सी कार्यावधि में देश के अंदर 22 तो एम्स का निर्माण हो रहा है या वे प्रारंभ हो चुके हैं। और 22 एम्स के साथ ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य अभूतपूर्व कार्य हुआ है, मुझे याद है 1947 से 2016-17 के बीच में उत्तर प्रदेश में केवल 12 से 15 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी का राज्य है, सभ्यता और संस्कृति की आधार स्तंभ है, भारत की आत्मा बसती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हेल्थ के सेक्टर में कितना उपेक्षित करके छोड़ा हुआ था। मेडिकल कॉलेज सीमित संख्या में, 12 से 15 मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद मात्र 70 वर्षों में खुल पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के। 75 जनपदों में से 16 जनपदों को छोड़ दें जहां पर हम अभी कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए हैं, तो बाकी सभी 49 जनपदों में सरकारी मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग वर्तमान में खड़ा करने में पूरी तरह सफल हैं। उधर हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं। और जो 16 जनपद हैं, इन 16 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने पीपीपी मोड पर एक स्कीम निकाल दी है कि वहां पर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे। और उस दिशा में प्रदेश सरकार, यानी जब हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा राज्य सरकार का, तब प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होगा। और इस लक्ष्य की दिशा में एक नया प्रयास वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इसकी अहमियत क्या है? तो अहमियत इसकी यही है कि अगर हमारे पास 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं दिया होता तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम कहां ठहरते, कहां लोगों को एडमिट करते, कहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं, जो केवल कोरोना उपचार के लिए हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर न केवल उनको यहां पर कोविड के लिए तैयार किया, बल्कि वहां पर हम लोगों ने उतना मैन पावर भी उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड जांच की कोई सुविधा नहीं थी। जब यहां पे 6 मार्च को पहला उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड का पहला पेशेंट सामने आया था, पहला पॉजिटिव केस आया था, हमारे पास टेस्ट की सुविधा नहीं थी। हमें एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था, पेशेंट को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था, नोएडा में आए थे इसके बाद उनको भी वहीं भेजना पड़ा था। और हमारे पास पहली टेस्ट लैब स्थापित हुई थी केजीएमयू लखनऊ में, और ये हुई थी 23 मार्च 2020 को, जिसमें केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन हम कर सकते थे। उस समय मुझे हम लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। मैं स्वास्थ्य विभाग से कहता था कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग को भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी, हमने कहा इसको 72 को आगे बढ़ाइए। कहते साहब 72 पर्याप्त है। मैंने कहा नहीं, पर्याप्त नहीं है, इसको तत्काल पहले 100 कर दीजिए। 100 जिस दिन हुआ मैंने कहा इसको 1000 तक पहुंचाइए। कहा कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा नहीं पढ़ाइए। 1000 हुआ, हमने उसी दिन कहा इसको 10,000 तक पहुंचाइए। 10,000 हुआ, मैंने कहा इसको 25,000 तक पहुंचाइए। कहते आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कहता आवश्यकता पड़ेगी, अभी आप देखना। और पहुंचाते पहुंचाते हम लोग उत्तर प्रदेश में 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। टेस्ट यानी ट्रेस है, टेस्ट है, ट्रीट है, एंटी का है। ये 4T का जो मंत्र दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, ये 4T होंगे, इसका पालन करोगे तो कोरोना वैसे ही छूमंतर होगा जैसे उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी के राज्य में है। मैं आज सुबह में 25 मार्च 2020 से लगातार कोविड के लिए पहले लहर में हम लोगों ने फर्स्ट वेव में हम लोगों ने टीम 11 गठित की थी और सेकेंड वेव में टीम 9 गठित की थी। मुझे लगता है कि बहुत कम दिन ऐसे रहे होंगे जिस दिन मैंने इस बैठक को न लिया हो। शेष हर दिन हमारी ये बैठक, आज भी हमने सुबह ये बैठक ली है। सुबह 10 बजे ही टीम 9 से सभी सदस्य मिले, आधे घंटे के लिए मिलते हैं, लेकिन हर एक विभाग क्या करता है। ये केवल हेल्थ का काम नहीं, हेल्थ विभाग ही इसमें अकेले काम नहीं करेगा, उसमें सभी विभागों ने मिलकर काम किया। एक टीम वर्क है ये, एक साथ मिलकर के जब काम करेंगे। और यह मॉडल हम लोगों ने पहले अपनाया था 2017 में इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए। इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के 38 जनपद थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद तो ऐसे थे जहां पर मध्य जुलाई से लेकर मध्य नवंबर तक 1500 से लेकर 2000 बच्चों की मौत होती थी। 1500 से 2000 बच्चे मरते थे उससे। लेकिन हम लोगों ने जब प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति 2017 के पहले राज्य सरकार की रुचि नहीं थी, पेयजल उपलब्ध हो, शुद्ध पेयजल हो, इसके में भी रुचि नहीं थी। लेकिन 2017 के बाद जब इस दो पर ध्यान देते हुए अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई, कन्वर्जेंस में और एक टीम वर्क में कितनी ताकत है, पहला मॉडल हमारा खड़ा हुआ था इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, इन दो योजनाओं को ईमानदारी से लागू करने का परिणाम क्या रहा। हमारे विभागों ने, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास, बाल विकास और पुष्टाहार, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, दिव्यांगजन और समाज कल्याण विभाग, इन सभी ने मिलकर के जब काम प्रारंभ किया। लोग कहते थे ग्रामीण विकास और पंचायती राज क्या करेगा, हमने कहा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के साथ साथ शुद्ध पेयजल ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराएगा। नगर विकास, स्वच्छता पे ध्यान दें, हर घर में शौचालय हो, जो वंचित है उनके शौचालय बन जाए, खुले में शौच से मुक्त रखिए। परिणाम आज आप देखते होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा रहता था। इस समय मौतें होती थी, व्यापक पैमाने पे होती थी, क्योंकि मरने वाला वहां पे उस समय गरीब था, कमजोर तबके का व्यक्ति था, कोई नहीं पूछता था। मीडिया की सुर्खियों की भी खबर नहीं बनती थी। मुझे याद 2017 में जब हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन का अभियान कुशीनगर से प्रारंभ किया तो हम लोगों ने सबसे पहला काम स्वच्छता अभियान के साथ शुरू किया और उन परिवारों को साबुन वितरित किए। तो मीडिया 3 दिन तक मेरे खिलाफ ट्रायल चलाया था, देखो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, यानी हम साबुन वितरित कर रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और हाथ धोएं। आप कहीं जा रहे हैं, कोई चीज छोते हैं तो साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो तमाम राजनीतिक दलों ने मेरे खिलाफ अभियान चलाया था कि देखो गरीबों का अपमान हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य था कि हमें इंसेफ्लाइटिस को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से समाप्त करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना महामारी के दौरान भी हम लोगों ने इसको पूरी तरह रोका है और इंसेफ्लाइटिस आज के दिन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 38 जनपदों में एकदम ना के बराबर है, पूरी तरह समाप्ति की ओर है। एक मॉडल जो खड़ा किया, वही मॉडल जब कोरोना की आहट हो गई तो हम लोगों ने उस समय कहा कि नहीं, अब कोरोना आ ही गया है तो हमको भी अपने यहाँ एक टीम, अंतर विभागीय समन्वय टीम बनानी पड़ेगी। और उसके लिए हम लोगों ने टीम 11 पहले चरण में गठित किया, दूसरे चरण में उसको टीम 9 में बदल करके, और लगातार टीम, मैं यहाँ पर हूँ नहीं हूँ, वो टीम बैठती है और आपसी समन्वय के माध्यम से कहाँ पर क्या हो रहा है, किस विभाग के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, तो लगातार मेरे पास उस पूरी समरी उसकी आ जाती है। लेकिन मैं जब लखनऊ में हूँ तो मैं स्वयं इसकी समीक्षा लेता हूं, समीक्षा करता हूं। आधे घंटे के लिए बैठते हैं, लेकिन बैठते जरूर हैं और बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो जाती है। उस समय इस टीम ने बेहतरीन कार्य किया है। हर एक स्तर पर हमारे सामने चैलेंज ज्यादा था, खासतौर पर आप देखे होंगे जो भी यहाँ पे प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी कह रहे थे, प्रवासी कामगार और श्रमिक